सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे राजद पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में, जिनको लेकर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और अगर लड़ते हैं तो किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वैसे आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब बीते दिन राहुल गांधी लालू यादव से मिलने मीसा भारती के आवास पर गए, वहां लालू यादव के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू यादव राबड़ी देवी के सरकार में मंत्री रह चुके हैं। साथ ही जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी तो उसमें वित्त मंत्री बने अब्दुल बारी सिद्दीकी 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए, जिस कारण वर्तमान महागठबंधन सरकार में मंत्री नहीं बने। वैसे आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, इसीलिए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा से चुनाव लड़ा सकते हैं। वैसे सीट को लेकर यह भी चर्चा है कि यहां से नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय झा भी चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा से चुनाव लड़ती हैं या कहीं और से। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।